हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टी10 प्रीमियर लीग के 17th मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा पखतूंस वर्सेस मराठा अरेबियंस के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 28 नवंबर की रात को 10:15 बजे भारतीय समय अनुसार, और ये मुकाबला होगा दुबई के शारजा में। तो ये जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीमें मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। सबसे पहले अगर मैं पखतूंस की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास आंद्रे फ्लेचर, कैट्रिक वॉल्टन, कॉलिन इंग्रम, कैमरन डॉलपॉट जैसे और शाहिद अफरीदी जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं मराठा अरेबियंस की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास एलेक्स हेल्स, ब्रेंडन टेलर, हजरतुल्ला जजई जैसे और जेम्स विंस जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे तो बल्लेबाजी में अनडाउटेडली पखतूंस का पल्ला भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 60 दूंगा पखतूंस की बल्लेबाजी को और 40 दूंगा मराठा अरेबियंस की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं मराठा अरेबियंस की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास ड्वेन ब्रावो, राशिद खान, रिचर्ड ग्लेसन जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। वहीं अगर मैं पखतूंस की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास शाहिद अफरीदी, लियम डॉसन, डेविड विली, मोहम्मद इरफान, सोहेल खान, शपुर जादरान, गुलाबदीन नईब, शफीउल्ला शफीक, आरपी सिंह और शराफुद्दीन अशरफ जैसे गेंदबाज हैं दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही मुझे पखतूंस का पड़ना भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ गेंदबाजी के लिए तो मैं 70 दूंगा पखतूंस की गेंदबाजी को और 30 दूंगा मराठा अरेबियंस की गेंदबाजी को। अब भाई इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। तो ये मैच होगा दुबई के शारजा में और मैं बैक करूँगा पखतूंस को ये मैच जीतने के लिए। या दोस्तों, मेरे हिसाब से पखतूंस ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो करीबन 60% चांसेस है पखतूंस के मैच जीतने के और करीबन 40% चांसेस है मराठा अरेबियंस के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच पखतूंस नहीं मराठा अरेबियंस जीतेगी तो आप मराठा अरेबियंस के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।